इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाइल स्टेटमेंट उससे रिलेटेड प्रोग्राम को हम लोगों ने देखा था, तो ये भी एक लूप है। इसको बस इसका सिंटेक्स अलग है, लिखने का अलग है तरीका। इसमें और डू व्हाइल में अंतर क्या है? व्हाइल और डू व्हाइल में, डू व्हाइल में क्या है कि पहले कंडीशन बाद में चेक करते हैं, पहले बॉडी में एग्जीक्यूशन हो जाता है। और व्हाइल में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। तो पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सिंटेक्स ऑफ डू व्हाइल इनिशियलाइज, जैसे कि पिछले क्लास में देखे थे कि लूप के चार पार्ट है, तो चार तो आएंगे। डू, फिर है बॉडी ऑफ द लूप, देन अपडेट मींस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अपडेट जैसा कंडीशन होगा, अपडेट करना या डिक्रीमेंट। फिर व्हाइल, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन। अब देखिए, इसमें पहले इनिशियलाइज कर दिए, फिर ये बॉडी ऑफ द लूप अपडेट करने के बाद कंडीशन को टेस्ट करेगा। मतलब कंडीशन अगर एक बार फॉल्स है तो भी ये बॉडी को या इसके अंदर एक बार एंट्री करके प्रिंट करेगा। लेकिन जैसा कि हम लोग व्हाइल लूप में देखते थे कि उसमें टेस्ट कंडीशन सबसे पहले था, अगर कंडीशन फॉल्स होता था तो उस केस में एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करता था कोई भी स्टेटमेंट। और इसमें क्या है कि एक बार गलत भी कंडीशन हो तो एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अब वहाँ देखा था हम लोगों ने व्हाइल लूप में क्या था कि सेमी कोलन व्हाइल में नहीं लगता है, यहाँ पे सेमी कोलन लगा देंगे, क्योंकि व्हाइल कंडीशन आगे जो भी स्टेटमेंट देंगे तो हो सकता है कि व्हाइल लूप ना ले ले, इसलिए ये यहाँ पर ब्रेक होगा तो इधर ही रोटेट करेगा। और इसी तरीके से इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट इसके में देखना है कि ये जैसे हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, फिर स्टेटमेंट जो बॉडी ऑफ द लूप होगा वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, तो ये जो स्टेटमेंट होगा इट मीन्स बॉडी ऑफ द लूप, और जो स्टेटमेंट होगा फिर अपडेट, आगे चल के ये अपडेट हम लोग कर देते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अपडेट कंडीशन को जो भी होगा, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब देखिए लास्ट में ये चेक करेंगे कंडीशन को कि ट्रू है या फॉल्स। तो ये इस तरह से हम लोग कंडीशन को टेस्ट करते हैं, यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट करेंगे। तो अगर टेस्ट करेंगे तो या तो ट्रू होगा और फॉल्स होगा, तो जब फॉल्स होगा तो यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे या जो भी प्रिंट करना होगा करेंगे, तो लूप को हम लोग स्टॉप कर देंगे। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ से फिर से आगे आके फिर यहाँ ये रोटेट करेगा। मींस सबसे पहले इनिशियलाइज किए, इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन से लेना देना नहीं है, यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप, फिर अपडेट, देन कंडीशन को चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो फिर से वापस भेज देगा, फिर ये चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये प्रोसीजर लूप का स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं व्हाइल लूप में कि ये फ्लो चार्ट। और इसी तरीके से जो व्हाइल लूप में हम लोगों ने देखा था ये कंडीशन ऊपर था, अगर ट्रू होगा तभी ये सब होता, अगर फॉल्स होता तो वहीं पर वो स्टॉप हो जाता। तो ऐसे हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसमें एक प्रोग्राम हम लोग लिख लें, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 5 times नेम को प्रिंट करना है। तो नेम को 5 times प्रिंट करने के लिए सेम कंडीशन व्हाइल लूप से, तो एक इनिशियलाइज करेंगे, सपोज एक काउंटर चला दें i=1, 1 भी हो सकता है, 0 भी, कुछ भी हो सकता है। फिर वहाँ से अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स डू, और डू लिखने के बाद इसके अंदर हम लोग बॉडी ऑफ द लूप इट मीन्स जो मैसेज को हमें प्रिंट करना हो, तो लिख दें प्रिंट f xyz, और
i की वैल्यू 1 है तो हम लोग को कहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5 तक चलना है। तो i की वैल्यू यहाँ पर i प्लस 1 अपडेट करेंगे, इसी को i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए इनिशियलाइज हो गया बॉडी ऑफ द लूप जो स्टेटमेंट है और अपडेट। अब हम लोग कंडीशन को यहाँ पर टेस्ट करेंगे, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 5, इट मीन्स यहाँ पर 5 होगा। ये देखिए सेमी कोलन यहाँ पर लगेगा डुअल में, देखिए अब i इक्वल टू 1 तो यहाँ पर अंदर आ गया, ये प्रिंट किया x y z प्रिंट कर दिया। अब i की वैल्यू कितना हो गया, 1 था तो 1 2 हो गया, फिर अंदर आया इधर बाहर तो 2 लेस देन 5 सही है, तो फिर से वापस गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये प्रिंट किया x y z। अब i की वैल्यू जो 2 था 1 ऐड करके 3 कर दिया, ये भी कंडीशन सही है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू सही है, तो अंदर आ गया, फिर x y z प्रिंट कर दिया, फिर i की वैल्यू यहाँ 3 हो गया और यहाँ 3 प्लस 1 4, फिर वापस आया टेस्ट किया तो 4, ये अगर सही है तो फिर से वापस गया x y z प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ से आया आगे बढ़ा तो 4 और यहाँ 1 5 हो गया, फिर वापस टेस्ट किया तो इक्वल तो है ही है, सही है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू, वापस चला गया, फिर यहाँ पर x y z प्रिंट किया, फिर अब यहाँ के 5, 1, 6 हो गया तो 6, फिर आगे आया यहाँ से तो 6 को चेक करेगा ये फॉल्स है, जैसे ही ये फॉल्स होगा तो आगे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा। तो लूप का तो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, 5 टाइम ये चला 1 से लेकर 5 तक, ये 5 टाइम प्रिंट किया जो भी मैसेज हमें डिस्प्ले करना होगा। अब देखिए इसी को जब प्रोग्राम हम कंप्लीट कर लेते हैं कि आई हम लोगों ने यहाँ पर एज ए वेरिएबल लिया है और आई की वैल्यू 1, 2, 3 हो रहा है तो इट मीन्स इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दें इंट आई। अब किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वर्ड मेन ये, और इसका यहाँ पे हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं मेन के फंक्शन को। अब देखिए यहाँ से प्रिंट एफ आपने लगाया है तो निश्चित हेडर फाइल हैस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगेगा ही, और अगर हम लोग को यहाँ पर चाहते हैं कि अल्ट एफ फाइव से न जाना पड़े और स्क्रीन क्लियर लिख दें जो पुराना कंटेंट है वो चला जाए, तो यहाँ पर सी एल आर एस सी आर भी लिख सकते हैं और यहाँ गेट सी एच, जैसे कि ये हर प्रोग्राम में हम लोग लिख रहे हैं, तो इनको अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेडर फाइल अपना हो जाएगा इनक्लूड कोनियो डॉट एच। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम डू वाइल से कि 5 बार नाम को प्रिंट करना है तो ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग होगा। अब इसी तरीके से अगर हमको 5 तक प्रिंट करना है, इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट करना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ प्रिंट करना है एक्स वाई जेड, यहाँ पर आई न प्रिंट करके आई के वैल्यू को जो यहाँ पर आई यहाँ पर हम लोग दिए हुए हैं, तो आई स्टार्टिंग में 1 स्टोर हुआ, तो अब इसके अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए इसे हम लोग फॉर्मेट से लिखते हैं परसेंट साइन डी और आई। तो ऐसे केस में देखिए आई इक्वल टू 1 होगा तो कंडीशन बाद में चेक करेगा, यहाँ अंदर आया तो आई की वैल्यू इंटीजर ये प्रिंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू 2 हो गया, फिर चेक किया सही है तो वापस गया आई की वैल्यू 2 प्रिंट किया, इसी तरह से 3, 4, 5 सब प्रिंट कर देगा, बाद में ये बाहर निकल लेगा। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि एक ये सिंपल सा। अब इसी में एक क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे निकालें सम ऑफ एन नंबर्स मीन्स 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे हम लोग अगर इसका सम करें अप टू एन टर्म तक, तो एन टर्म है क्या, एन टर्म मतलब अगर 4 तक है, इसे मिटा दें, एन तक सम करना है मीन्स अगर हम ये ले लें कि 4 तक सम करना है, इट मीन्स 4 + 3 + 2 + 1 10 आ जाएगा। अगर इसी को हम लोग 5 तक का सम करना है तो ऐसे केस में 15 आ जाएगा। तो यूज़र के थ्रू हम लोग रीड कर लें कि कितने टर्म तक हमको ऐड करना होगा, तो ये देखते हैं कि int एक हम वेरिएबल लेंगे i
और एक एन ले लें कि नंबर ऑफ टर्म कितना तक ऐड करना होगा, और ऐड करके कहीं स्टोर करेंगे तो एक वेरिएबल हम लोग ले लें सम, जिसको हम इनिशियलाइज कर दें जीरो से, तो इनकी आवश्यकता होगी। अब हम लोग को सबसे पहले ये रीड कर लें कि कहाँ कितने टर्म तक कहाँ तक ऐड करना है, तो स्कैन एफ परसेंट साइन डी परसेंट डी एम परसेंट एन, तो ये लिमिट होगा, यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू या लिमिट कि कहाँ तक सम करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये मेमोरी एलोकेट कर दिया, आई हो गया, फिर एन हो गया, और इसी तरह से सम जीरो कर दिए। अब अगर हम यहाँ से रीड करते हैं तो एन की वैल्यू सपोज फाइव दे दे रहा है या फोर दे दे रहा है, यूज़र के चॉइस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग को फाइव तक ही लूप चलाना है, एन की वैल्यू फोर देते तो फोर तक लूप चलाना है, लेकिन कहाँ से चलाना है, वन से लेके फाइव तक ऐड करना है या वन से लेके फोर तक ऐड करना, जो कंडीशन हो। यहाँ पे हम लोग एन दे दिए यूजर के अकॉर्डिंग, तो आई इक्वल टू वन, यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग डू वाइल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो डू अब देखिए उसको ऐड करना है, तो सम करने के लिए क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, इट मीन्स सम जितना भी होगा उसमें आई का अगला वैल्यू ऐड करना है। जैसे अगर सम में हम लोग जीरो लिए, जीरो में एक बार वन जोड़ना है, जीरो इस फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग इसमें सम में फिर इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको जितना एन तक हम लोग सम करते रहेंगे, और लास्ट में जो इसके अंदर वैल्यू होगा यहाँ पर उसे हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो अब देखिए सम की वैल्यू यहाँ पर ले लिए, अब इसके बाद आई की वैल्यू वन है तो टू को भी ऐड करना है, थ्री को भी ऐड करना है, तो यहीं पे हम लोग आई इक्वल टू आई प्लस वन को भी लिखेंगे। अब सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वाइल को टेस्ट कर लिया जाए कि कंडीशन कब तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा यहाँ पे, तो आई की वैल्यू वन से लेके एन, एन मतलब जो वेरिएबल दिया जाएगा। अब देखिए अगर हम लोगों ने फाइव दिया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ सम, अगर सम जीरो है तो जीरो प्लस वन, आई की वैल्यू वन है स्टार्टिंग में तो वन ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, वन हो गया, फिर आई की वैल्यू टू हो गया तो यहाँ पर देखिए टू हो गया। अब यहाँ कंडीशन चेक किया, टू लेस देन सही है, ट्रू है, तो फिर वापस चला गया यहाँ पे, अब सम में कितना है वन और आई की वैल्यू कितनी है टू, तो वन प्लस टू ये आ गया, फिर यहाँ पर आई की वैल्यू क्या करेगा टू और प्लस वन तो ये थ्री हो गया, यहाँ पे थ्री हो गया ये, फिर वापस बाहर आया चेक किया ये कंडीशन सही है, मतलब यहाँ फाइव है ये लेस देन थ्री सही है, तो सम में कितना था उसमें फिर से आई को ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स थ्री को ऐड कर दे रहे हैं, ये थ्री ऐड हो गया, फिर बाहर आया तो अब यहाँ पर थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, तो अब फोर के लिए हम लोग चेक करेंगे, फोर भी सही है लेस देन फाइव, फिर वापस गया, अब इसमें फोर को ऐड कर दें तो प्लस फोर यहाँ पे ऐड हो गया, अब ये आई फोर प्लस वन फाइव हो गया, अब कंडीशन ये सही है इक्वल है, फिर वापस गया जो भी सम होगा उसमें प्लस फाइव को ऐड कर दिया, अब यहाँ पर फाइव वन सिक्स हो गया, अब देखिए ये सिक्स हो गया कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब इसके बाहर चला आया, ओवरऑल हमारे पास कितना है 15, इट मीन्स ये 15 होगा यहाँ पे, और इस 15 को हम लोग कहीं बाहर प्रिंट कर लें, यहाँ ध्यान रखिएगा अंदर नहीं प्रिंट करेंगे बाहर प्रिंट करेंगे, तो इसे हम लोग प्रिंट कर लें प्रिंट एफ परसेंट साइन डी और सम, तो अब यहाँ से जो प्रिंट करेंगे वो रिजल्ट आएगा 15। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ एन नंबर्स का प्रिंट कर सकते हैं या सम ऑफ द सीरीज़ का ये क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। तो प्रिंट के बाद चाहे तो गेट सी एस लगा दें, ऊपर सी एल आर एस सी आर लगा ही सकते हैं, तो ये होगा। अब देखिए अब यहाँ से प्रोग्राम में एक चीज़ ऐड करना होगा,
तो ऐड करने के लिए क्या करें कि कमेंट हमेशा ज़रूर से इस प्रोग्राम के या हर प्रोग्राम में लिखा करें कि कौन सा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कमेंट में सम ऑफ द सीरीज या सम ऑफ एन नंबर। तो ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर सकते हैं, टेबल ऑफ एनी नंबर कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर, फिर तीसरा है फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो आएंगे उनको हम लोग टाइम टू टाइम करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये है डू व्हाइल लूप।